हेलो फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे और मैं हूँ रोशन कुमार। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिशा और धुरी के चैप्टर पे, जिसमें जो है बात करेंगे सूर्य के पे आधारित प्रश्न पे, जिसमें परीक्षाएं बनता है। ठीक है, उसके क्वेश्चन को बनाने में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता होगा, वीडियो तो बहुत देखते होंगे या क्लास में भी समझाया जाता होगा लेकिन समझ में नहीं आता होगा। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि इस टाइप के आप जो भी प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षाएं पे सूर्य पे रहेगा आधारित, आप उसको बना देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा कुछ सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो याद रखिए कि सुबह के समय क्या होता है, सुबह के समय क्या होता है ये पता होगा कि इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, सूर्य जो है भगवान जी है ये किधर उगते हैं, सुबह पूरब की ओर उगते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि यहाँ पे खड़ा रहेगा, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा रहेगा चाहे कहीं भी खड़ा रहे, तो उसका परछाई किधर बनेगा, पश्चिम की ओर बनेगा। सूर्योदय के समय क्या होता है, सूर्योदय के समय जो है परछाई जो है वो किधर बनता है, तो पश्चिम की ओर बनता है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान आएंगे। अब देखिए, आप सोचिए, अब इधर ये मार्कर है, इधर सूर्य भगवान है, तो इधर लाइट पड़ेगा तो परछाई किधर बनेगा, पीछे बनेगा उसके। और वही जब शाम होता है, ये कब होता है, सूर्योदय के समय। लेकिन जब शाम के समय होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वो तो वही रहेगा। अब सूर्य भगवान किधर आ जाएंगे, पश्चिम की ओर आ जाएंगे। तब आप यहाँ पे यदि खड़ा रहिएगा तो आपका परछाई किधर बनेगा, पूरब दिशा की ओर बनेगा। तो याद रखना है कि सूर्यास्त के समय आपका जो है जो परछाई बनेगा वो किधर बनेगा, पश्चिम पूरब दिशा में बनेगा। और सुबह के समय जो है आपका परछाई पश्चिम दिशा में बनेगा। ये याद रखना है, एकदम ये माइंड में बैठा लेना है। आप बेसिक से सोच सकते हैं कि जब आप सूर्य भगवान की तरफ मुंह खड़े करके रहिएगा तो आपके क्या है, आपके आगे बहुत सारा लाइट है तो आपके क्या होगा, पीछे बनेगा। लेकिन वही शाम को कह रहा था कि सूर्य भगवान पश्चिम की ओर रहते हैं तो आपको क्या बनेगा, परछाई जो बनेगा वो पूरब की तरह बनेगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कर रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है कि सुबह सवेरे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य अपने दाईं ओर उदय होते हुए देखा। कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे जो है एक व्यक्ति जो है बस यात्रा कर रहा था, उस समय सूर्य को जो है वो अपनी दाईं ओर उदय होते हुए देखा। जैसे में देखिए ये क्या है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब कहा जा रहा है कि सुबह, तो सुबह के समय कहां रहेंगे, सूर्य भगवान तो पूरब की ओर रहेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य को अपने दाईं ओर उदय होते हुए देखा, और वो जो है बस यात्रा कर रहा था तो वो अपने दाईं ओर दाहिना साइड जो है सूर्य भगवान को देखा। तो वो किस दिशा में आगे सबसे पहले चढ़ रहा था, आप सोच सकते हैं। तो हाँ, कैसे सोच सकते हैं कि यदि वो व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा होगा तब ना उसके दाएं हाथ है, इधर राइट हैंड, इधर क्या होता है लेफ्ट हैंड। आप इस रास्ता पर चलिएगा तो आपको क्या होगा, राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो क्या होगा, तभी नहीं है, तो वो उत्तर दिशा में जा रहा होगा तभी उसको तो सूर्य भगवान दिखाई देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है देखा, 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। और 30 मिनट के बाद मतलब यहां तक पहुंच गया होगा, तो क्या होगा कि फिर जो है सूर्य की दिशा की ओर वो यात्रा करते हुए पाया। तो कहा जाए कि वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो एक बात बताइए वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो वो जो है पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सीधे सूर्य भगवान को लिख लिए। अब कह रहा है कि दाहिने साइड, वही कहा जाता कि उसका जो है बायां साइड बढ़ रहा है, तो व्यक्ति किधर जाता, दक्षिण दिशा में चल रहा होगा और उसके बाद सूर्य की ओर ही चल रहा है, तो क्या करेंगे कि इसको वो पूरब की ओर चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है उसको सबसे पहले पढ़िए। कहा जा रहा है कि प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना आरंभ किया,
प्रातः के समय जो है सूर्य की ओर, इधर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब कहा जा रहा है कि सुबह के समय जो है हम सूर्य की ओर जो है चलना प्रारंभ करते हैं। इधर सूर्य पूरब की ओर है तो हम चलना भी पूरब की ओर आरंभ कर रहे हैं, ठीक है। आरंभ किया, कुछ समय चलने के बाद मैं अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब एक बात बताइए, आप इस रास्ता पर चलिएगा तो आपका बाईं किधर होगा? इधर होगा, बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद में अपने दाईं ओर मुड़ गया, और उसके बाद अब आप सोचिए कि इधर आप चलिएगा तो दाईं किधर मुड़ेगा? इधर मुड़िएगा, दाईं ओर मुड़ गया, मुड़ता है दाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद मैं अपने दाईं ओर मुड़ा, फिर उसके बाद बाईं ओर कुछ मुड़ा, उसके बाद मैं अपने दाईं ओर मुड़ गया। अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं? तो एक बात बताइए, किस दिशा में जा रहा है? तो पूरब दिशा में जा रहा है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां पे जो है ए ऑप्शन सही है। क्या करा है? सुबह में सूर्य की ओर चलना आरंभ किया, उसके बाद मैंने अपने बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं मुड़ेगा तो इधर चला जाएगा, और उसके बाद कह रहा है कि दाईं मुड़ा, तो दाईं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। तो अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो उसका मुख किस दिशा में? पूर्व दिशा की ओर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कर रहा है? मैं एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। एक सुबह जो है मीना जो है सूर्य की ओर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। एक सुबह जो है मीना सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। और जब इधर चल रही है तो बाएं किधर होगा? इधर मुड़ी जी, बाईं ओर मुड़ी, और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, और उसके बाद भी जो है दोबारा किधर मुड़ा? बाईं। तब इधर चल रहा है रास्ता पे तो बाईं किधर होगा? इधर होगा, फिर जो है वो बाईं मुड़ी, कुछ दूर चलकर वो फिर बाईं मुड़ी, और वो क्या करेगी? कुछ दूर चल रही था फिर बाईं मुड़ी। अब एक बात होती है, आप इस रास्ता पर चले तो आपका क्या होगा? दाहिना साइड इधर होगा और बाएं साइड इधर होगा, तो फिर क्या हो रहा है कि बाईं ओर मुड़ जा रही है। तो हमसे कहा जा रहा है कि वो अब किस दिशा में मुख की हुई है? तो एक बात होती है, इस व्यक्ति का मुख किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में है कि उदित होते हुए सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू कर दिया है। उदित होते हुए, जैसे मैं देखिए इधर उत्तर, दक्षिण, पूरब, इधर पश्चिम। तो सूर्य के जब उदय हो रहा है तो ये जो क्या है रेशमा है वो अपने उदित होते हुए सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू कर दिया है। तब आप अपना पीठ जो है सूर्य की ओर कब रखिएगा? जब आप पश्चिम दिशा में चलिएगा। तो ये रेशमा जो है किस दिशा में चल रही है? पश्चिम दिशा में चल रही है। कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है, और कुछ मिनट बाद जो है वो बाएं घूम जाती है। अब सोचिए कि आप इस रास्ता पर चलिएगा तो आपका क्या होगा? दाहिना इधर होगा, बाएं इधर होगा, तो क्या है कि बाएं घूम जाती है, ठीक है, और चलती रहती है। तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है। अब इस रोड पे आप चलिएगा तो आपका दाहिना साइड किधर होगा? इधर होगा, तो क्या है वो फिर दाहिने घूम जाती है, तो और फिर बाएं घूम जाती है, और फिर उसके बाद क्या है कि बाएं घूम जाती है। तब आप बताइए कि इस रास्ता में चल रहा है तो आपका क्या है? दाहिना इधर है, बाएं इधर है, तो क्या हो रहा है? बाएं घूम जा रही थी, इधर चल रही है। तो हमसे कहा गया है कि अब वह किस दिशा में जा रही है? एक बात बताइए, उसका अब किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में जा रही है। इधर क्या है? दक्षिण है, इधर भी इसका दक्षिण है। तो यहाँ पे हो गया कि वो दक्षिण दिशा में की ओर जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।